और अब बात कुमाऊं मंडल की करते हैं। कुमाऊं मंडल में विधानसभा की 29 सीटें हैं, लेकिन कुमाऊं के नैनीताल जिले की लालकुआ सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। इससे पहले हमने आपको खटीमा में क्या है सियासी गणित, मुकाबला किसका है वो हमने आपको बताया था, और अब देखिए लालकुआ सीट पर क्या मुकाबला है, क्या तस्वीर है वो आप समझ रहे हैं। इन सीटों से उत्तराखंड, इस सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत पहले उत्तराखंड की रामनगर सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से है। पिछली बार हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार लालकुआ से किस्मत आजमा रहे हैं। और लालकुआ से मेरे सहयोगी रवि केंतुरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, कल वोटिंग का दिन है, उससे पहले लालकुआ में किस तरीके की तस्वीर आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब कल के दिन का सबको इंतजार है क्योंकि मतदान होना है। ऐसे में चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। लालकुआ सीट बेहद हॉट सीट है, और वो इस वजह से क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत इस बार यहाँ से चुनाव मैदान में है, मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से भाजपा की तरफ से है। लालकुआ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोला नदी के भूमि कटाव की समस्या हो, या फिर 32% यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको अगर मालिकाना हक के लिए जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों ही मुद्दों पर जो है इस बार भाजपा और कांग्रेस जनता के बीच गई है। अब देखना होगा क्योंकि निर्णायक भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में। अभी फिलहाल अब कल का सबको इंतजार है। चुनावी शोर जरूर थम गया हो, लेकिन अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जो लालकुआ सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है, और कुमाऊं में सबसे ज़्यादा हॉट सीट इस वक्त लालकुआ है क्योंकि हरीश रावत खुद यहाँ पर हैं। और अब यहाँ पर किस तरीके से लोगों का मूड होगा ये कल अब देखने वाली बात होगी। जब सुबह से ही मतदान शुरू होगा तो उसके बाद लोग इस बार किसके पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। इस सीट पर अगर हम लालकुआ सीट पर बात करें तो कांग्रेस से बागी संध्या डालाकोटी भी मैदान चुनावी मैदान में, और भाजपा से भी पवन चौधरी बागी होकर चुनावी मैदान में। ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बागियों किसका समीकरण बिगाड़ते हैं और जनता इस बार किसको चुनने जा रही है। तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं, लोग भी उत्साहित हैं कि कल मतदान होगा, हम मतदान देने जाएंगे, उसके बाद एक जो सरकार है, एक नई सरकार उत्तराखंड को दी जानी है। तो लोगों में भी काफी उत्साह है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में अब कल की तैयारियां हैं। आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं, तमाम बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सुरक्षा व्यवस्था है, ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था है, पूरी व्यवस्थाएं आज प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही हैं। वहीं जो प्रत्याशी हैं वो जरूर चुनावी शोर थमा है, लेकिन उनके दिल की धड़कनें चुनावी शोर थमने के बाद उतनी तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि कल सुबह से किस तरीके का यहाँ पर लोगों को मतदान देने के लिए किस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है, और इस बार कितने प्रतिशत वोटिंग होती है और किसके सरकार सस्ता है। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ओर से अभी भी, चाहे फोन पर बात हो या फिर लोगों से मिलना हो, वो तमाम चीजें अभी भी कर रहे हैं क्योंकि अभी जितने भी घंटों का वक्त बचा हुआ है उनमें वो लोगों से मिलना चाहते हैं, अधिक से अधिक मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्र की समस्या है उनको पूरा करने का विश्वास कैसे दिला पाएंगे, उसी पर अभी भी काम हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।